रोबोट्स रोबोट्स रोबोट हर जगह पे रोबोट आ चुका है, जमीन पे रोबोट आ चुका है दोस्तों, पानी पे रोबोट आ चुका है आपका जॉब लेने के लिए, और साथ ही साथ दोस्तों हवा पे भी रोबोट आ चुका है और काफी सारे लोगों का जॉब ऑलरेडी छीन चुका है ड्रोन के फॉर्म में। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो दोस्तों पहला आप देख सकते हो इस गैजेट का नाम है रियस्पायर वेयर ए प्लस। ये जो है स्पेशली दिल्ली में ये गैजेट बहुत काम आएगा। कैसे? जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है उस जगह पे, इंडिया में मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई पे जो एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा है, तो वहाँ पे ये गैजेट काफी काम आएगा। कैसे? अभी मैं आपको बताता हूँ। है कि ये जो है आपको इस तरीके से एक फिल्टर मिल जाएगा, यहाँ पे दो फिल्टर है इसके अंदर, यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो इसका डिजाइन है ब्लैक व्हाइट कलर में आ जाता है। इसको जो सिर्फ आपको गले पे लटकाना है इस तरीके से, और ये 250 ग्राम इसका वेट है, और एक बार चार्ज देने पे ये 8 घंटे तक इसका बैटरी बैकअप रहता है, टाइप सी है। इसके मदद से क्या होता है कि जितना आपका हवा में जम्स है ना उसको जो 99% तक किल कर देता है, और एक फिल्टर जो है 200 घंटे तक चलता है, डिफरेंट कलर में आ जाता है। यहाँ पे एक बटन क्लिक करो इस तरीके से, दिल्ली में हो स्पेशली आप इस तरीके से देख सकते हो हवा में जितने भी पोल्यूशन है पूरा किल कर देगा उसको जो है खींच के। तो बेस्ट गैजेट में बोलूंगा अगर साफ हवा लेना है और बॉडी को हेल्दी रखना है तो। नेक्स्ट जो गैजेट है दोस्तों देख लीजिए क्या कुछ है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। ये जो आप देख रहे हो इसका नाम है जेट शार्क। जी हाँ दोस्तों, ये मछली के जैसा दिखने वाला यहाँ पे जो है नाव आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो इस तरीके से डॉल्फिन की तरह ये जो है पानी पर उछल भी सकता है 1.5 मीटर तक, इस तरीके से आप देख सकते हो। और इसको खरीदने का जो है कस्टमर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसको जो है यूरोप और अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वेल्दी लोग जो रिच लोग हैं वो यूरोप और अमेरिका में ही रहते हैं। तो यहाँ पे इस कंपनी ने जो है यहाँ पे बनाई, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। इसका जो है इंजन है वो जो है 400 से लेकर 600 हॉर्स पावर तक आ जाता है। यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो पानी के अंदर भी जा सकता है। मतलब भाई सोच के देखो किस तरीके से जो जॉब खाने वाला है, 6 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, 4 से लेकर 6 लोग बैठ सकता है। यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मल बोट की तरह भी आप इसको चला सकते हो, ये इसका मतलब कॉकपिट है। इस तरीके से पानी के अंदर भी चला सकते हो भाई, मतलब जो लोग नाव चला के लोगों को टूरिस्ट सैर कराते हैं उनका जॉब भी जाने वाला है इसके वजह से। आप देख सकते हो किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी लोगों का जॉब छीन रहा है। बट यहाँ पे अगर इंडिया में ये सब मैन्युफैक्चर होता तो और भी मजा आ जाए। इस बोट के बारे में क्या ख्याल है, खरीदना चाहते हो कि काफी महंगा है, 3 से 4 करोड़ आता है इसका प्राइस, 5 करोड़ भी आता है। तो क्या ख्याल है इसके बारे में, खरीदना चाहते हो कि नहीं। नेक्स्ट जो यूनिक गैजेट है दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे क्या कुछ। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो इसका नाम है फिक्सर 007 और 025। जी हाँ दोस्तों, ये एक ड्रोन है। इसको जो स्पेशली जोमेटो और स्विगी और फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये सब कंपनी इसको स्टार्ट करने वाला है, यूज करने वाला है। इसके मदद से आप डिलीवरी कर सकते हो किसी भी सामान को। जोमेटो और स्विगी जो है इसके मदद से ऑलरेडी बैंगलोर पे जो है टेस्टिंग चालू कर दिया है। यहाँ पे इसका पेलोड कैपेसिटी जो है अभी 2 kg है, ये जो 007 वाला मॉडल है, और 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर तक जा सकता है। फिक्सर 025 ये जो मॉडल है ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा सकता है, और ये जो है 10 kg तक का पेलोड अभी ले सकता है। जी हाँ दोस्तों 10 kg भाई, सोच के देखो डिलीवरी में ये इस तरीके से जो है स्विगी और जोमेटो जो है खाना वगैरह भेजने वाला है, या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट सामान भेजने वाला है। ये जो है इस तरीके का जो है एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, जाकि ये ऑटोमेटिक टेक ऑफ करके जो है कस्टमर को जो है सामान दे के आ जाता है इस तरीके से, बॉक्स लेके आप देख सकते हो। और जब भी कस्टमर बॉक्स ले लेता है उसके बाद जो QR को स्कैन करके ये वापस अपने जगह पर चला जाता है ना, मज़ेदार गैजेट। नेक्स्ट जो गैजेट है दोस्तों अमेजिंग देख लीजिए क्या कुछ। दोस्तों ये जो आप गैजेट देख रहे हो इसका नाम है रिवर पॉइंट रेंज। जी हाँ दोस्तों, ये जो है एक ऐसा गैजेट है, इसके मदद से आप किसी भी चीज को जो 3D मॉडल में कन्वर्ट करके आप लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल पे ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, टैबलेट पे रिवर पॉइंट रेंज इसका नाम है। यहाँ पे इसका सॉफ्टवेयर देख सकते हो, मतलब गाड़ी का 3D मॉडल आप जो है तुरंत जो है किसी भी मूवी पे डाल सकते हो, वीडियो में इस तरीके से जो है आप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में इसको ले सकते हो। ये जो है मैक्सिमम 80 सेंटीमीटर तक जो है रेंज है इसका, और यहाँ पे जो है वाइड में आप बोल सकते हो कि 60 सेंटीमीटर तक ये जो है पूरा फुल HD कलर फुल जो है किसी भी मॉडल को यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। इंसान ही क्यों ना हो दोस्तों, देख सकते हो इंसान, फर्नीचर हो गया, उसके बाद गाड़ी, व्हीकल, सब कुछ जो है ये स्कैन करके जो 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकता है। और यह कंपनी खुद का भी जो है कैमरा भी डेवलप कर रहा है, और इसका वेट भी ज़्यादा नहीं है, 210 ग्राम है, और एक बार चार्ज देने पर यह 2 घंटे तक चलता है। तो ये इसका खासियत है, और ये थर्ड पार्टी के साथ भी जो है डेटा को, मतलब 3D मॉडल को शेयर कर सकता है। ये भी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और जो भी एप्पल है इनके साथ काम कर रहा है। तो अनोखा गैजेट है, काफी सारे लोगों का जॉब जाने वाला है भाई। नेक्स्ट जो गैजेट है दोस्तों देख लीजिए अभी क्या कुछ। दोस्तों ये जो देख रहे हो इसका नाम है एप्स्ट्रॉनिक एस्ट्रो। जी हाँ दोस्तों, ये जो है रोबोट की दुनिया में एक क्रांतिकारी रोबोट है। ये जो है आईफोन बोल सकते हो रोबोट्स का। ये जो है नासा के साथ मिलकर काम कर रहा है, और ये जो है अभी इतना डेवलप हो चुका है कि इसके मदद से आप हॉस्पिटल हो गया, स्कूल, कॉलेज, गोडाउन, हर जगह पे जो है इसको काम में ले सकते हो। और अभी जो है ये 25 kg तक का पेलोड को कैरी कर सकता है इस तरीके से। तो भाई सोच के देखो जो लेबर का जॉब है ना वो पूरा
पूरा खतरे में आ चुका है इस रोबोट के वजह से। और भविष्य में जो है लेबर का जॉब सबसे पहले जाने वाला है दोस्तों, और जो मतलब क्लर्क वगैरह है उनका जॉब खाने वाला है ये रोबोट्स। क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट करके बताओ। तो मतलब दुनिया जिस तरीके से रोबोटिक हो रहा है, काफ़ी सारे लोगों का जॉब जा रहा है। मैं सही में बोल रहा हूँ, डिलीवरी बॉय हो गया, ज़मीन हवा पानी में सब जगह पर ड्रोन जो है कैमरामैन का जॉब खा चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो आप देख सकते हो मूवी वगैरह का प्रोडक्शन के लिए कैमरा से लेकर सब कुछ। चाइना में तो एक रोबोट जो कंपनी का CEO भी है, मतलब तबाही मचाने वाला है रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। यहाँ पे देख सकते हो पानी पे जो है ये इस तरीके से जो है नाव का जॉब खाने वाला है, ड्रोन ने खा ही चुका था। और इन रोबोट्स को हम हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो।